370 फिल्म जो है ये टैक्स फ्री कर दी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह फैसला लिया, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील की है, ऐतिहासिक परिवर्तन को नजदीक से जान सकेंगे ये बात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में फिल्म आर्टिकल 370 टैक्स फ्री कर दी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा फैसला लिया है और लोगों से ये मूवी देखने की अपील भी उन्होंने की है। ऐतिहासिक परिवर्तन को नजदीक से इस फिल्म के जरिए लोग जान सकेंगे, ये भी उन्होंने कहा। और भोपाल से सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, पूरी जानकारी, 370 आर्टिकल 370 टैक्स फ्री। जी निश्चित तौर पर देखिए, 370 आर्टिकल को लेकर लगातार पूरे देश भर में पॉलिटिकल डिबेट्स भी होती रही है, नफे नुकसान उसके लगातार बताए गए, तमाम एक्सपर्ट एनालिसिस भी हुए। और जब 370 पर फिल्म बनी है, आर्टिकल 370 पर, वहां से जब 370 लागू थी तो क्या कुछ सरकमटेंसेस थे, हटाने के बाद क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां में बदलाव हुआ, उसको लेकर ये पूरी फिल्म बनाई गई है। और उसे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने टैक्स फ्री कर दिया है। अपील भी की है जनता से कि इस फिल्म को देखिए ताकि क्या कुछ परिस्थितियां पहले थी और उसके बाद में क्या बदलाव आया ये जनमानस जान सके। लेकिन इस सबके बीच इस पर सियासत होना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अब लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, ज्यादा समय शेष नहीं रह गए हैं और 370 मुद्दा है। टारगेट भी तो वासु 370 ही रखा गया है, बूथ पर वोट बढ़ाने का 370 टारगेट भी रखा गया। और 370 जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसका एक सेंटिमेंटल इफेक्ट भी है और उसको पूरे मुद्दे को राष्ट्रवादिता के साथ भी देखा जाता है और बीजेपी उसको लगातार कैश कराने के भी मूड में नजर आई है। तमाम बड़े नेताओं की सभाओं से 370 को लेकर जब उनके भाषण होते हैं तो जिक्र जरूर होता है। तो इस सब चीजों का और फिल्मों पर सियासत भी अक्सर होती रहती है, तो लोकसभा चुनाव पर भी इम्पैक्ट निश्चित तौर पर नजर आएगा। जी जाहिर तौर